बलिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हर जगह हो गया फेल, तो उसको एक तिनका मिल गया राफेल। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का पीठाधीश्वर भी कहा। जी, राहुल गांधी को जो है जो हर जगह हो गया है फेल, उसको एक तिनका मिल गया है राफेल। क्या है राफेल? मैंने बताइए, जब गुणवत्ता का हमारे नेता के मन में है कि हमारा सैनिक सीमा पर कहीं से भी अपने विमान को दुर्बल न दिखे, इसलिए उसमें गुणवत्ता का सुधार जब सामान में होगा तो स्वाभाविक है कि उसका रेट बढ़ेगा। ये क्या जाने ये बोफोर्स वाले लोग हैं, ये क्या जाने, ये जो नेशनल हेराल्ड कंपनी को जो है अपने अपने निजी संपत्ति बनाने वाले लोग हैं, ये क्या जानेंगे जो इटली में होटल चलाते हैं। जिस दिन देश पर संकट पड़ेगा, मेरे भाइयों मैं आज कह रहा हूं, जिस दिन देश पर संकट पड़ जाए, इस समय जो है सब ये लोग इटली का टिकट कटाएंगे और जाके अपने होटलों में बसना चालू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को मैंने क्लियर कर दिया कि नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्णय को भी जो कहता है कि नहीं ये भी है, इसका मतलब उसका दिमाग ही फेल है। राफेल में गलती नहीं है, इसके दिमाग में गलती है, जिसका दिमाग फेल है। नेहरू परिवार का वरासती बेटा है, फाउल है। राजनीति में जो फाउल है उसको जो है उसको उसका नाम राहुल है। राजनीति में जो फाउल है वो केवल पदासीन है। किस लिए? कि वो राहुल गांधी का राजीव गांधी का बेटा है। वो नेता नहीं है, राहुल राजीव गांधी का बेटा है, इसलिए वो नेता बना हुआ है। उसके बाद कोई आएगा वो भी नेता बन जाएगा। वहां तो राजनीतिक पीठाधीश्वर ये लोग हैं। राहुल गांधी क्या है? राजनीतिक पीठाधीश्वर है। ये गए तो उनके बेटा बन जाएगा, ये जाएंगे तो इटली में पैदा हुआ फिर कोई बेटा आ जाएगा। आप देखेंगे, कहेगा कि हम राहुल गांधी के बेटा, हमारा डीएनए टेस्ट हो जाए। देख लीजिएगा, आएगा, उस समय आएगा, सब लोग देखेंगे।